हेलो ऑल मॉम्स, इन दिस वीडियो मैं शेयर करूंगी कि बेबी होने के बाद मैंने अपना वेट लॉस कैसे किया। इस वीडियो में मैं आपको अपना दो दिन का फूड शेड्यूल दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से खाती थी और मैंने क्या मॉडरेट डाइट ली, जिस वजह से मेरा एक महीने में 3 kg वेट लूज़ हुआ। आई होप ये आपके लिए वर्क करेगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं विदाउट फ्लेवर एक गिलास गुनगुना पानी लेती हूँ। आप मेरे हाथ पे देख रहे हैं, एक गिलास इतना गुनगुना पानी लेती हूँ। बहुत सारे लोग जो एक साथ एक गिलास पानी नहीं पी पाते हैं वो सिप सिप करके पी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप चलते फिरते पी लीजिए, रुक लीजिए, बैठ लीजिए, जैसा आपको कंफर्टेबल है वैसे करिए। देन उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास ये बॉटल दिख रही है आपको, ये 1.3 लीटर के अराउंड होगी शायद, मैं इसमें गुनगुना पानी भर लेती हूँ। ये मैं ऐसा इसलिए करती हूँ ताकि दिन भर मैं पानी पीती रहूं, बिकॉज अगर मैं रूल बनाऊंगी कि मुझे 1.5 लीटर पीना है, 7 से 8 गिलास पानी पीना है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, भूल जाते हैं। और मैं इस बॉटल को ऐसे एरिया में रखती हूं जहां मैं बार बार जाती हूं, लाइक अ किचन, और जब जब मुझे दिखता है तो मैं पानी पी लेती हूँ। जो उसके बाद जो मेन मेरा ब्रेकफास्ट होता है वो ये है, रात में मैं चिया सीड्स लगाती हूँ जो आजकल थोड़ी ट्रेंडी भी है, मैं कब से कंज्यूम कर रही हूँ तो मैं लेती हूँ। देन मैं इसमें ओट्स को पका के इसमें ओट्स डालती हूँ, एक बनाना डालती हूँ, पीनट बटर डालती हूँ और इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। मुझे तो काफ़ी सही लगता है और इससे काफ़ी हैवी फीलिंग आती है और दोबारा भूख नहीं लगती है। इट्स वेरी फाइबर डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट। और मैं अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ऐसे करती हूँ। फिर मैं लेती हूँ रात में भिगाए हुए 4 बादाम। इनका मेरा फिक्स टाइम नहीं है, मैं इन्हें रात में भी ले लेती हूँ, खाने के बाद भी ले लेती हूँ और सुबह भी ले लेती हूँ। आपको जैसा कम्फर्टेबल है वैसे ले लीजिए। देन उसके बाद ब्रेकफास्ट से लंच के बीच में मुझे भूख नहीं लगती, और अगर मुझे भूख लग गई तो मेरे पास रोस्टेड चने मैंने मंगवा लिए थे, कभी कभी मैं एक फिस्ट खा लेती हूँ। अगर नहीं लगी तो वेल एंड गुड, या जो भी फ्रूट घर में अवेलेबल है वो खा लेती हूँ। देन इसके बाद मैं खाती हूँ दिन में हमारे घर में जो लंच बनता है। देखिए, सेकेंड टाइम पर जो मेरे घर में लंच बना है ये मसूर की दाल है, राइस है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक बड़ा बाउल दाल भर लेती हूँ और राइस की क्वांटिटी कम कर लेती हूँ, और साथ में मैं सैलेड काट लेती हूँ। कुकुम्बर तो मोस्ट ऑफ टाइम मेरे घर पे रहता है और बीटरूट भी रहता है, तो मैं दोनों को काट के स्लाइसेस में और मैं इसके साथ खा लेती हूँ। नहीं है तो आप दाल ज़्यादा ले लीजिए, जो आपके घर पे अवेलेबल है उस हिसाब से अपना डाइट प्लान कीजिए। बिल्कुल भी एक्जोटिक डाइट या किसी तरह की फैंसी डाइट की तरफ जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बात याद रखनी है कि भूखे नहीं रहना है किसी भी हालत में, बिकॉज यू आर लैक्टेटिंग मदर, सो डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर डाइट विथ योर फूड। लंच के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, देन उठ के मैं ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ, ये विदाउट शुगर है। मैं कॉफ़ी पीने के 1-2 घंटे बाद मैं एक बॉइल्ड एग लेती हूँ। आपकी जो भी फूड्स हैबिट हैं उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। आपको पनीर खाना है पनीर खा लीजिए, फ्रूट खाने है फ्रूट खा लीजिए, लेकिन कुछ भी इस तरह की डाइट नहीं खाइए जिससे आपका वेट गेन हो। देन नाइट पर हमने चिकन करी बनाई थी, मैंने इसके साथ चपाती ली है, चपाती की क्वांटिटी कम कर ली और चिकन मैंने उतना खाया जितने की मुझे भूख थी, मैंने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो आप मेरी डाइट प्लान में देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल भी फूड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती और घर का बना ही खाना खाती हूँ, कुछ भी एक्सटर्नल मैं नहीं लेती। इस बीच आप नोटिस करेंगे मैंने बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए आपको नहीं बोला, क्योंकि मैंने खुद नहीं की। तो ये था मेरा फर्स्ट डे का डाइट प्लान। सेकेंड डे मैं सेम रिपीट करती हूँ, सुबह उठती हूँ वही पानी पीना, ओट्स की डाइट लेना। दिन पे मैंने दाल बनाई थी, ये आप देख सकते हैं, काला सोयाबीन कह लीजिए, काला भट्ट कहते हैं उत्तराखंड में, तो मैंने इसकी दाल बनाई थी, सेम उसी तरीके से मैंने इसे खाया। शाम के टाइम फिर मैंने कॉफ़ी ली, एक बॉयल्ड एग लिया, रात को मैंने लौकी की सब्ज़ी और कर्ड ली। आप कर्ड को दिन में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने रात में ले लिया। और मैंने एक चपाती खाई और अपना बाउल वेजिटेबल से भर दिया कर्ड से, और एक बाउल सब्ज़ी खा ली। तो ये था मेरा डाइट प्लान और 1 महीने तक मैंने इसे फॉलो किया, धीरे धीरे मुझे इसकी हैबिट हो गई। मुझे आइडिया नहीं था कि मैं कितना वेट लूज़ करूँगी, एक्चुअली मैंने कोई टारगेट फिक्स ही नहीं किया, मुझे था कि मुझे अपना वेट लूज़ करना है। मैंने बहुत छोटा टारगेट रखा था कि 1-2 भी काम हो जाएगा तो गनीमत है, तो लेकिन ये मेरे फ्रूटफुल हुआ और मैंने 3 kg कम कर लिया। अगर आप भी इस तरह से करेंगे तो ज़रूर अपना वेट कम कर सकते हैं। डाइट अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, तो अपनी डाइट बढ़ा सकते हैं। अब कुछ मेन टिप्स जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, बिकॉज आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। फर्स्ट वन, शुगर अवॉइड करनी है कम्प्लीटली, किसी भी फॉर्म में शुगर नहीं लेनी है। सेकेंड, खुद को हाइड्रेट रखना है। थर्ड पॉइंट, बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखना है, टारगेट रखे ही मत, आप डाइट फॉलो करिए एंड रिजल्ट का वेट मत करिए। फोर्थ वन, यू आर लैक्टेटिंग मदर, सो इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि वेट कितना लूज़ हो रहा है, अपने वेट को बढ़ने दीजिए। बॉडी ऑटोमेटिकली कंपनसेट कर देती है आपकी बॉडी को आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग, जब आपका बेबी ग्रो कर लेता है तो आप खुद ही खुद में चेंजेस देख लेंगे। लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, हर किसी की बॉडी अलग है और हर किसी की बॉडी का प्रेगनेंसी को लेकर रिस्पॉन्स अलग है, तो आपको खुद को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है
क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म अलग है और सामने वाले का अलग है, तो डोंट बी पैनिक, स्लोली स्लोली ग्रेजुअली चलना है जब तक आपके बच्चा छोटा है, बिकॉज बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, रातों की नींद पूरी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, और जब आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपकी बॉडी को रेस्ट ज़रूरी होता है और उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। सो आप अपनी डाइट पर फोकस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इन्जॉय करना है और खाते पीते रहना है। डाइटिंग नहीं करनी है, डाइट को मॉडरेट करना है यानी चेंज करना है, मॉडिफाइड डाइट लेनी है जिसमें कार्ब कम हो लेकिन फैट हो, कैलोरी मिले। अगर आप जानते हैं तो लैक्टेटिंग मदर को एक प्रेग्नेंट वूमेन से 300 किलो कैलोरी ज़्यादा की ज़रूरत होती है, तो आप सोचिए कि अगर आप डाइट पे जाएंगे तो कितना मुश्किल हो जाएगा। आई होप ये टिप्स और ये वीडियो और मेरा डाइट प्लान आपके लिए कुछ काम आएगा। आप भी इस तरह फॉलो कर सकते हैं, आपके घर पे जो बनता है वो खाइए, बस चेंज कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपकी इसको लेके किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइस टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर पेरेंटहुड।